आपकी कलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन जो जारी रहती है जो एक दफ़ा नाते ताल्लुक और नेटवर्क बन जाते हैं एंड एवरी बॉडी वो हैज़ स्टडीड इन एन अदर कंट्री और वो हैज़ विजिटेड एंड वर्कड इन पाकिस्तान जो यहाँ रह के गया है चाहे किसी भी वक्त में उनका हमेशा के लिए एक ताल्लुक़ एक रिश्ता और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जिससे उनकी अपनी कल्चरल लर्निंग इन होती है मैंने हर उस इंसान को जो यहाँ पे रह के काम करने के गया है या यहाँ पढ़ के गए हैं या जो बाहर से पढ़ के आई हैं या जो बाहर काम करके आई हैं या करते हैं उनको ये कहते सुने चाहे वो एम्बेसी के लोग हों चाहे वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों चाहे वो बिज़नेस करने गए हों चाहे वो वक्ती तौर पे कुछ सालों के लिए वहाँ आबाद हुए हों के हमेशा के लिए एक कम्युनिकेशन का रास्ता खुल जाता है और ये चलता रहता है ठीक है जो स्टूडेंट्स वापस आते हैं वो आते ही पहले तो जो करके आए होते हैं जो पढ़ के आए होते हैं जो सीख के आए होते हैं ट्रेनिंग उसको उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं लेकिन साथ साथ जो उनका प्रोफेशनल बिहेवियर जो उनका वर्क बिहेवियर जो उनकी चीज़ें उनके अंदर बस चुकी होती हैं और फिर चीज़ें उन्हें याद आती रहती हैं कि वहाँ ऐसे होता था या ये मैंने सीखा तो जो जो यहाँ से अंग्रेज़ गए हैं वो भी हमेशा को बदल गए हैं इट इज़ अ वेरी रियल थिंग कि बहुत से अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो लोग यहाँ ऑफिसर थे उनकी फैमिलीज़ को भी याद है कि हम जब इंडिया में पोस्टेड थे जब सब कॉन्टीनेंट इंडिया जो है कॉलोनी था तो उस वक्त हमने जो सीखा हमारी फैमिली में आज तक कुछ चीज़ें कायम है वो टेस्ट कायम है वो डिशेस हैं वो कल्चर है कुछ एप्रिसिएशन है वगैरह वगैरह अपने घरों के डिज़ाइन बने हैं वहाँ जाके आपको महाराजा टाइप पैलेस नज़र आएगा आपको हैदराबादी स्टाइल नज़र आएगा आपको मुस्लिम कल्चर के गुम्बद नज़र आएंगे इस तरह के ब्राइटन में मसने था वो दूर से ही लग रहा था किसी गांव में किसी की बड़ी सी हवेली है उसके सारे गुंबद मस्जिद की तरह के थे सो देर देर इज़ नो लिमिट टू द कल्चरल इन्फ्लुएंस जो इंटरक्टिंग विद अदर कल्चर्स होता है जो आपको वहाँ जा के होता है एक्चुअली उस कल्चर में रच बस के वहाँ पढ़ के या वहाँ काम करके तो ये जो कंटिन्यूंग चैनल्स ऑफ इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन है ये पहली जो एजुकेशनल एक्सचेंज है या जॉब है उससे शुरू हुए अब जहाँ तक इंडिविजुअल का बात है जो स्कॉलर पढ़ के आया है वो उसका जो सोजर्न है उसकी जो जर्नी है उसको एक पूरा रेलिवेंट फॉरन लिटरेचर मिल जाता है जिसके लिए वो जब भी चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है फिर उसकी प्रोफेशनल कुलीग से रबता वबस्तगी और जान पहचान हो जाती है तो उससे उनके आइंदा के लिए कम्युनिकेशन कलेबरेशन आने वाले सालों में खुल जाती है फिर एजुकेशनल एक्सचेंज के जो प्रोग्राम हैं वो अक्सर इन्हीं गोल्स पे सेट किए जाते हैं कि साइंटिफिक और स्कॉलरली कलेब्रेशन आगे कैसे बढ़ती है लेकिन बढ़ती तो है लेकिन उसका असर क्या होता है इसको साइंटिफिकली स्टडी कम किया गया है लेकिन ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम हैं ये इट्स एक तरीका है लर्निंग का जो आपको बड़े आ, इनरिच करता है और इसके ज़रिए यह एक लर्निंग का एक और मॉडल बन गया है अब तो ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी अब ये वाले प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो करती हैं ये एक कॉजल चेन है यानी एक कॉज है और वो अगली चीज़ को जन्म देता है उससे कुछ और निकलता है तो वो अगली चीज़ को जन्म देता है तो ये जो कॉजल चेन है ये इंडिविजुअल और कल्चरल इफ़ेक्ट्स को लिंक करती है और इससे ये जाहिर होता है के एजुकेशनल ट्रैवल जो है वो कल्चरल चेंज लाने का बायस बनता है अब ऐसा एजुकेशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसमें दूसरे कल्चर के लोग पढ़ सकें तो है सबसे पहले तो लैंग्वेज का होता है तो बहुत से मुल्क आपको अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं कि आप सीखें या उन्होंने किताबें अपनी लैंग्वेज में उनकी होती हैं तो इन ए, एक तो लैंग्वेज ही का होता है फिर काउंसलिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है सो दैट आर टेकन थ्रू द प्रोसेस इन अ स्मूथ वे अडेप्टशन है कम और इंसान इंडिविजुअली भी और आगे चल के हम देखेंगे कल्चरल अडेप्टेसन को किस तरह से मेजर किया गया है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई रिमेंबर कि हम लोग गए हैं तो बच्चे से बड़े तक फैमिली भी साथ थी क्योंकि आई माई सेल्फ हैड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रेशर भी लगता था और कई स्ट्रेस भी लगता था याद भी बहुत आती थी कि चीज़ें आसान थी पाकिस्तान में लेकिन बहुत चैलेंज भी था और उस चैलेंज को कबूल करने में बहुत फ़खर भी था और उसके अंदर सर्वाइव करना और अडेप्ट करना बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो आपकी एक हमेशा के लिए इनिचमेंट होती है आप एक बेहतर मुकम्मल और ताकतवर इंसान बन के लौटते हैं कुछ लोगों में ये कैपेसिटी कम होती है मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि जी बाहर जाना फिर बच्चों को लेके जाना या वहाँ जाके कैसे रहना वहाँ कूड़ा खुद उठाना होता है तो वहाँ सर्दी बहुत होती है या वहाँ लोग ऐसे बात करते हैं सो आई हैव नोटिस्ड पीपल डोंट हैव द सेम कैपेसिटी टू डू एडेपेशन इन एनअर कल्चर हमारे बाद ही मुझे याद है कि एक नौजवान गए पाकिस्तान से हमने उन्हें बड़ा वेलकम किया हमने कहा बेटा आप आ गए हो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उसने दूसरे तीसरे दिन ही कहना शुरू किया कि मैं तो वो हलाल गोश्त की दुकान पर जाके सो जाऊँगा मुझे डर लगता है इनकी क्लास में जो पढ़ाते हैं वो बड़ा मुश्किल लगता है और इधर उधर फिरता हूँ तो सर्दी लगती है मेरे तस्वुर में नहीं था जब मैंने उसको पाकिस्तान में देखा था कि वो इतना कमजोर और इतना नॉन एक्साइटेड अबाउट लर्निंग साबित होगा उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होगी कि वहां से नॉलेज को ले सके क्योंकि हर काम टफ होता है कोई भी काम करना आसान नहीं होता पहले दिन स्कूल जाना होता है तो बच्चे को कई चीज़ों का मुकाबला करना होता है सो so, एडेप्टन जो है वो मुख्तलिफ होती है और कैसे पढ़ाया जा रहा है और कितना वो मुश्किल है और कितना आसान है हम ये ज्यूम करते हैं कि जिस तरह चीज़ें लिखी और पढ़ाई जाती हैं वो तमाम कल्चर्स में उसी तरह समझना उनको आसान होगा करिकुलम हमने नहीं बनाया फॉरेन यूनिवर्सिटी ने बनाया तो उसको भी देखा जाता है तो अच्छी इंटरनेशनल एजुकेशन में इन चीज़ों पर रिसर्च हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही सो वी नेवर अंडरस्टूड कि मसला उस के किसी और कल्चर से होने का लैंग्वेज का एडेप्टेसन का है या जो आपने करिकुलम बनाया है इट डज़ नॉट फिट इट विद द स्कीम ऑन द वे पीपल फ्राम एनअर कल्चर अंडरस्टैंड आइडियाज़ लेकिन हमेशा से किताबें यूनिवर्सल रही हैं नॉलेज यूनिवर्सल रहा है चाहे वो आर्ट हो चाहे वो लिटरेचर हो चाहे वो फिलासफ़ी हो या वो साइंस हो और इवन रिलीज़स बुक्स तो ये शेयर करने वाली चीज़ होती है तो इंसानों के आइडियाज़ तो यूनिवर्सल होते हैं तो फिर उनकी लर्निंग भी जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी है और डिज़ायरेबल भी